पिंडा जिले के लहार क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चों की शादी करवाने का मामला सामने आया। पिता ने अपनी पत्नी और बड़े भाई पर शादी के नाम पर बेटे को 11 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया। पिता ने बताया कि यह शादी 22 नवंबर को कराई गई। उसने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने इसे शासन प्रशासन की नाकामी बताया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बाल विवाह रोकने के लिए कई अभियान चला रही है और उसके बावजूद लहार क्षेत्र में बच्चों को शादी के नाम पर बेचा जा रहा है। दुखी पिता आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहा है। गोविंद सिंह ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सुनी नहीं है कौन, वो हमको बुरी तरह से भगा रहा है। हम आवेदन लाए थे, आवेदन फेंक दो, बोले नहीं चल नहीं आओ, अपना जाके उन्हीं से जाके एफ आई आर कराओ। जब शादी होने के जबरन करने के बाद ही रोकने के बाद जब एसडीएम लाहौर से शिकायत की तो उन्होंने कहा पुलिस में जाके करो हम, और उसको लड़की के पिताजी को डांट के भगा दिया है। ये क्या उचित है? जरा जब हो गई थी उसकी इंक्वायरी करना चाहिए थे। नाबालिग बच्चियाँ हैं,